लेना अवॉइड करेंगे, लेकिन किरण जी से पूछते हैं कि आज उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। किरण जी बताइए, कहां पर मंदी की जाए, कहां पर तेजी की जाए। मेरा पहला स्टॉक बैंक इंडिया रहेगा। मुझे लगता है बैंक इंडिया में काफी खराब स्ट्रक्चर हो चुका है और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने में मिल रही है, उसी के साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 140 और 145 के रेंज में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है पुट्स में, यानी हम नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब को जोड़कर अगर देखा जाए तो 156 एक 154 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं 156 का स्टॉप लॉस सेस करूंगा और फिर 146-142 के लेवल्स भी देखने में मिल सकते हैं। दूसरा होगा कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छी बिकवाली देखने में मिली कल। कल जो रिजल्ट के बाद जो बाउंस बैक आया था उसका सेल ऑफ हमने देखा और वो सेल ऑफ बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ, तो इसकी फॉलो अप सेलिंग होने की संभावना है। इसके भी अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 600 के कॉल में पुट में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, तो इधर एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलेगी। पर टेक्निकल टारगेट 623 के फर्स्ट आते हैं, उधर वापस एक बार रिव्यू ले लेंगे। इस ट्रेड के लिए 675 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। तीसरा होगा भेल। भेल में पहले से ही नेगेटिव डाइवर्जेंस है और उसी के साथ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रैक होते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 132.50-132 लेवल्स है, पर मैं अगर पूरा डेटा स्टडी करते हैं तो ये 132 का लेवल निकल जाए ऐसा संकेत मिल रहा है, तो 137 के स्टॉप लॉस के साथ हम 127 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए अगले दो ट्रेडिंग सेशंस में। इधर भी ऑप्शन चेन डेटा में 125 और 120 में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल बेरिश व्यू है इन तीनों काउंटर्स पर।